हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। इस वीडियो में बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूं रेगुलर प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम बच्चों को, मतलब कि टर्म वन एग्जाम से रिलेटेड कुछ अपडेट्स मिलेंगी और कुछ अपडेट्स आपको मिलेंगी टर्म टू एग्जाम से रिलेटेड। क्या अपडेट्स हैं ये तो आप जान ही पाएंगे, लेकिन बच्चों थोड़ी सी बात मुझे ये करनी है कि पिछले एक सप्ताह में आपने देखा होगा कि किस तरीके से घटनाक्रम बदला, किस तरीके से एक दो लोगों ने फेक वीडियोज बनाए, बच्चों को गुमराह किया और किस तरीके से अंधाधुंध लोगों ने उनको फॉलो किया और ढेर सारी वीडियोज बना दी कि अब तो ऐसा हो गया, अब तो वैसा हो गया। हम ये कह रहे हैं बच्चों, हम किसी की ना तो बुराई कर रहे हैं ना उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप सतर्क रहिए। CBSE को पब्लिक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, पब्लिक नोटिस निकाल करके कहना पड़ा कि भैया इन लोगों पर विश्वास मत करना, ये सारी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है, मिसगाइड कर रहे हैं लोग। और हमने उसी दिन वीडियोज बना करके आपको बताया था, एक दो वीडियो हमने बनाई थी कि ये सारी सूचनाएं निरर्थक हैं, बेकार हैं, ऐसा कुछ भी CBSE की प्लानिंग में नहीं है और ना ही CBSE ऐसा कुछ करने जा रही है। ऐसा मैं इसलिए कर पाया बच्चों क्योंकि एक तो आपका प्यार और सहयोग हमें मिल रहा है, दूसरी मैं खुद एक स्कूल में CBSE स्कूल में टीचर हूं, और तीसरी बात कि हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने स्कूल में। खुद मैं अपने एग्जामिनेशन का वर्क देखता हूं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें CBSE के रीजनल ऑफिसर्स से, CBSE के सिटी कोऑर्डिनेटर से और CBSE के हेडक्वार्टर से 4-5 दिन पहले ही मिल जाती हैं जो यहाँ पर आने वाली होती हैं। तो मैंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है और हमारे बच्चों को कोई गुमराह ना करे, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हमें हमारे साथ में वो बच्चे कम जुड़े हैं जिनको रेगुलर एग्ज़ाम देना है। तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बाकी लोग आपका फायदा उठाएंगे, आपको गुमराह करेंगे। और अभी भी तुम टेस्ट कर सकते हो, इस बात को गर्व के साथ कह रहा हूं। तुम अभी एक काम करो, जाओ और YouTube पर सर्च करो CBSE ऑथेंटिक अपडेट्स और देखना वहां पर 60-70% वीडियोज हमारी शो होंगी, क्योंकि हमने हमेशा बच्चों ऑथेंटिक अपडेट्स दी हैं, रियल अपडेट्स दी हैं और बच्चों को गुमराह नहीं किया है। इस वीडियो में जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, जो समाचार मैं आपको सुनाने वाला हूं, एकदम रियल हैं और CBSE के इंटरनल सोर्सेस और सिटी कोऑर्डिनेटर से बात करने के बाद मैं आपसे ये बातें करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो बच्चे इस टाइम ये डरे हुए हैं कि सर क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा या ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाया जाएगा। देखो बच्चों तीन बातें हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम कैंसिलेशन या एग्ज़ाम पोस्टपोन। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ कि अभी की जो कंडीशंस हैं उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है और हमें स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टेट्स में आपने देखा होगा कि स्कूल बंद हो गए या ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई या अभी बंद करने की कंडीशन में हो सकता है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन भी लगाना पड़े कुछ जगहों पर, कहीं नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, कहीं पर वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है। तो इन परिस्थितियों में न सिर्फ पढ़ाई प्रभावित होगी बल्कि आने वाले टाइम में स्कूल जाने आने में भी खतरा है, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है। तो एक मांग तो ये उठेगी कि भैया इस बीच में एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन CBSE तो पहले से मुस्तैद है, उसने टर्म वन करा लिया है और वो टर्म वन के आधार पर रिजल्ट जारी कर देगी। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने का तो कोई पैटर्न नहीं है, ना कोई CBSE के पास में ये है। CBSE अगर एग्ज़ाम करवाएगी तो ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाएगी। एग्ज़ाम या तो पोस्टपोन होंगे बच्चों, शुरुआत में कैंसिल तो नहीं होंगे। मैंने देखा है कुछ लोग लगातार कह रहे हैं YouTube पर कि 10 तारीख को एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे। ये दो कौड़ी के यूट्यूबर्स हैं और उन्हें बच्चों से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ये टीचर हैं और ना इनका टीचिंग से कुछ लेना देना है, ये खाली पैसा कमाने आए हैं। उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि 10 जनवरी को ये एग्ज़ाम्स कैंसिल होने जा रहे हैं। मैं साफ साफ बता दूं बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें अभी तो भाई आया ही नहीं है। हेलो बच्चों, हम सब एक नए ईयर 2022 में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 365 दिनों में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव करने के लिए। आपको अपनी च्वाइसेस से सही अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है और पहला कदम बढ़ाना है अपनी गोल्स की तरफ। इसमें आपकी हेल्प करने के लिए अनअकैडमी लाया है आप सबके लिए स्पेशल 22% ऑफ एनी सब्सक्रिप्शन ऑफर। यह ऑफर 1-3 जनवरी तक के लिए वैलिड है, जिसमें आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस या आइकॉन सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं 22% ऑफ पर। इसी के साथ अनअकैडमी लॉन्च करने वाला है द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द ईयर फॉर क्लास 7-10 IIT JEE नीट UG स्टूडेंट्स के लिए। द अनअकैडमी प्रोडिजी एक फ्री मॉक टेस्ट है जहां आपको मौका मिलेगा अनबिलीवेबल रिवॉर्ड्स जीतने का। यह 1 घंटे का टेस्ट 23 जनवरी और 29 जनवरी को तथा 6 और 13 फरवरी को कंडक्ट होगा। इसमें हर एक पार्टिसिपेंट को चांस मिलेगा एजुकेशन फॉर लाइफ जीतने का। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, टॉप स्कोरर्स जीत सकते हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप उनके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 20 लाख रुपए तक। एजुकेशन फॉर लाइफ 29 जनवरी और 13 फरवरी को होने वाले टेस्ट पर ही
वैलिड होगा। इसके अलावा आप मैकबुक, आईफोन्स, आईपैड्स जैसे एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी जीत सकते हैं। लर्नर्स, इस मौके को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि आपको टेस्ट के बाद डिटेल्ड स्कोर कार्ड मिलेगा और वीडियो सॉल्यूशन के साथ एनालिसिस भी। 15 जनवरी से आप 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मेरा कोड GEA यूज करें फ्री में एनरोल करने के लिए और साथ में 10% ऑफ भी मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। लेट्स शेड्यूल ही नहीं आया है तो कैंसिल होने की तो बात ही नहीं है। जब आपने किसी को बुलाया ही ना हो, कार्यक्रम रखा ही ना हो, तो कैंसिल किस चीज़ को करोगे? अभी तो टर्म टू का शेड्यूल ही नहीं आया है। शेड्यूल आने से पहले पैटर्न आएगा। CBSE अभी स्कोर कार्ड तैयार कर रही है टर्म वन के एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। मैं यहीं पर बता दूँ, अभी CBSE ने प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट, एडिशनल सब्जेक्ट और पत्राचार वालों का फॉर्म भरवाया है। बहुत सारे बच्चे छूट गए हैं। बच्चों, मुझे सूचना मिली है और ये हो सकता है कि अभी जल्दी ही आपको गुड न्यूज़ मैं दे दूं कि इसी महीने में लास्ट तक आपको एक बार फिर से मौका मिलेगा फॉर्म भरने का CBSE के प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट का। हालांकि तब तक ऑथेंटिक या इसको कन्फर्म मत समझिएगा जब तक CBSE ऐसी नोटिस ना निकाल दे, लेकिन सुनने में आया है और पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कई बार हुआ था। तो करेक्शन करने का या फिर से फॉर्म भरने का या एक नए जो बच्चे छूट गए उनको फॉर्म भरने का मौका CBSE देने वाली है। जल्दी ही मैं ऑथेंटिक अपडेट उसको लेकर के आऊँगा। अभी कंफर्म बहुत कुछ नहीं हुआ है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ ज़्यादा उसके बारे में। तो देखो, अभी ये सारी चीज़ें हुई हैं, इन लोगों का फॉर्म भरा गया, टर्म टू की तैयारी शुरू हुई है, टर्म वन का स्कोर कार्ड तैयार हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 7 तारीख में 8 तारीख में आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसी बीच में मीटिंग भी होनी है 7-8 में, तो सुनने में आ रहा है कि अगर उस दिन डिसाइड हो गया तो जारी कर दिया जाएगा, नहीं तो मतलब इसके 2-3 दिन बाद जारी हो सकता है। तो टर्म वन के रिजल्ट के बारे में तो कुछ नहीं, स्कोर कार्ड जारी होगा। रिजल्ट उसे कहते हैं जिसमें फेल और पास लिखा होता है, तो फेल और पास तो कोई होगा ही नहीं, ना कोई फेल होगा ना कोई पास होगा। CBSE सिर्फ स्कोर कार्ड देगी, बता देगी कि इस सब्जेक्ट में इतने नंबर तुमको मिले हैं, थ्योरी में इतने नंबर मिले हैं आपको, आपके स्कूल वालों ने दिए हैं इंटरनल असेसमेंट में या फिर प्रैक्टिकल में। तो ये सारी चीज़ें तुम जान पाओगे, आपका रिजल्ट बनेगा टर्म टू के बाद में। टर्म टू अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया, उसके आधार पर, टर्म वन के आधार पर आपको नंबर मिल जाएगा। अब लोग कह रहे हैं कि टर्म वन का वेटेज, टर्म टू का वेटेज, फिर से वही बात है कि दो कौड़ी के यूट्यूबर्स हैं। अरे वेटेज की क्या बात है, CBSE ने 4 लाइन की नोटिस निकाली कि टर्म वन हो गया, टर्म टू नहीं हुआ तो टर्म वन के आधार पर रिजल्ट बना देंगे, टर्म टू हो गया और टर्म वन हो गया तो दोनों को जोड़ करके बना देंगे, कोई एक नहीं हुआ तो जिसमें हुआ है उसी के आधार पर उस नंबर को दुगना करके आपका रिजल्ट तैयार कर देंगे। तो वेटेज और बोनस मार्क्स उन लोगों के चोचले हैं जो बच्चों को बेवकूफ़ समझते हैं। बोनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, जो आपके, आपने जितना काम किया उसके अलावा आपको कुछ मिल जाए। बोनस किसी को नहीं मिला है बच्चों, मैं सही बता दूं, चूँकि स्कूल में ही कॉपी चेक हुई है तो मैं बता दूं, जो क्वेश्चंस कॉमन हो गए थे या जिन जो क्वेश्चंस गलत हो गए थे, जिनके ऑप्शंस गलत थे या क्वेश्चन गलत थे, उस पर सभी बच्चों को कॉमन मार्क्स दे दिए गए हैं। ये कॉमन मार्क्स होते हैं, कॉमन मार्क्स और बोनस मार्क्स में अंतर होता है। तो बच्चों को तो यहाँ भी मिसलीड कर रहे हैं लोग, यहाँ पर मैं आपको मिसलीड नहीं करूँगा। बोनस मार्क्स किसी को ना मिले हैं, ना मिलने की कोई संभावना है। हाँ, हम ये मांग जरूर कर रहे हैं और आप लोग भी बच्चों हमें बताना, तुम लोगों को ये चाहिए या नहीं चाहिए, तुम कमेंट करके हमको बताना कि तुम्हें कॉमन मार्क्स के अलावा भी कुछ मार्क्स चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी परिस्थितियों की वजह से टर्म वन की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए थे और उनको भी पता था कि हमारी तैयारी ढंग से नहीं है, हम टर्म टू में बढ़िया से एग्ज़ाम देंगे। अगर टर्म टू का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है या पोस्टपोन हो जाता है, अभी हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, बट इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है तो क्या होना चाहिए, क्या आपको टर्म टू के लिए मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नंबर आपको जोड़ के दिया जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि आपका टर्म वन खराब हुआ, पता था टर्म टू अच्छा होगा, हम तैयारी कर लेंगे, और ऑब्वियसली अच्छा होता ही होता, क्योंकि जिन बच्चों को पता चल जाता कि हमारे नंबर कम आए हैं टर्म वन में, वो जी जान से पढ़ाई करते, उनके नंबर टर्म टू में अच्छे आते। तो इस आधार पर जिनका नंबर थोड़ा कम आया है, CBSE को मेरी मांग है या बच्चों की भी मांग होगी ही होगी कि इन बच्चों के नंबर थोड़े से बढ़ा करके दिए जाए और इन बच्चों को मॉडरेट करके मार्क्स प्रोवाइड किए जाए ताकि इन बच्चों का नुकसान ना हो। एक और बात मैं बताऊं बच्चों कि जो टर्म टू एग्ज़ाम होना है उसके पैटर्न में कोई मेजर चेंज नहीं होने वाला है। देखो, जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था उसी तरीके से अगर डिस्क्रिप्टिव हुआ तो, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर हुआ है, अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो उसी तरीके का ऑब्जेक्टिव पेपर आपका हो जाएगा जैसे कि आपने टर्म वन में परीक्षा दी है। तो ये गुमराह करना कि टर्म टू का सिलेबस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिलेबस तो चेंज होना ही नहीं है। टर्म टू का जो सिलेबस था वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है।
एक बात हो सकता है कि आपको जो टर्म टू का एग्जाम देना पड़े थोड़ा अगर कोरोना वगैरह बढ़ा तो एक आध महीने लेट हो सकती है परीक्षा, और जून जुलाई तक तो सीबीएसई देखेगी ही देखेगी, अगर कैंसिल होगा तो जुलाई में जाकर के कैंसिल होगा, तब तक ये एग्जाम को पोस्टपोन रखेगी कुछ दिनों के लिए, संभावना इसी बात की है। तो किसी के भी चक्कर में मत आइए बच्चों, आपका रिजल्ट कैसे बनेगा या किस तरीके से मार्क्स जोड़े जाएंगे उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तुम बताओ कि तुमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, ऐसे ही देख रहे हो, और अगर ऐसे ही देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं मैं भी एक टीचर हूं, सीबीएसई का ही टीचर हूं, तो तुम सब्सक्राइब करके जाओगे इस वीडियो को, ये मेरा रिक्वेस्ट भी है और तुम लोगों को हमारे स्टूडेंट होने की वजह से निर्देश भी है कि तुम्हें ऐसा करके जाओगे, यहाँ पर कोई उलूल जुलूल की बातें नहीं होने वाली हैं बच्चों। तो आई थिंक तुम्हें कोई भी और क्वेरी चाहिए, तुम्हें कुछ और भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और वहाँ पर हम तुम्हें बताएंगे कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है या आपके प्रश्न का उत्तर क्या है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बच्चों, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।